बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कि मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है पी इज इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम की डायमेंशन मालूम करनी है, इसे हमने स्क्वेयर ब्रैकेट में शो कर दिया, जिसका मतलब मोमेंटम की डायमेंशन है और ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज है मास और वेलोसिटी। हमने मास और वेलोसिटी की डायमेंशन लिख ली, ये है मास। और जब कोई डिराइव्ड क्वांटिटी हो तो उसकी डायमेंशन लिखने के लिए हम देखते हैं कि वो किन बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं, मास की डायमेंशन होगी कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी एल और टाइम की डायमेंशन है टी। सो आई कैन राइट इट एज एम और इसको मैं लिखूंगा एल टी इनवर्स। टी जब ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस होगी और फाइनल आंसर हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दैट विल बिकम एम एल टी इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम।